हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिशन वेल। जैसा कि आज यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, सब्जेक्ट हिस्ट्री का, हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में हम आपको आज को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी कट ऑफ के बारे में बता दें कि जैसे जून 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके पहले प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये ऊपर वाली जो लाइन है वो जेआरएफ की कट ऑफ से है, जो नीचे वाली कट ऑफ है वो किसकी है, नेट की कट ऑफ है। और आपको हम ये बता दें, जितना भी डेटा लिया गया है ये एनटीए यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, और जितनी भी कट ऑफ दे रखी है वो किस पे दे रखी गई है, परसेंटेज पे दे रखी गई है। और सबसे पहले हम आपको बता दें ये परसेंटेज कैसे निकाला है। तो जैसे मान लीजिए मेरे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं, तो मेरे एग्जाम में 180 मार्क्स आए हैं। आउट ऑफ मतलब कितने में आए हैं, 300 में आए हैं। तो 180 जितने मार्क्स आपके आए हैं उसको आप ऊपर रख लीजिए, और जितने में से आए हैं उसे आप नीचे रख लीजिए, और 100 का इसमें क्या कर लेना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 00 और 00 ये आपके कट जाएंगे। फिर 3 से आप एक कर दीजिए, 180 को डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका 60। मींस जो 60 है हमारा क्या है, कट ऑफ मार्क्स है, मतलब जो परसेंटेज डेटा के हिसाब से ये 60 हमारा है। ठीक है, तो जैसे हम देख लेते हैं जून 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जेआरएफ की जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी। तो 60 गई थी अनरिजर्व के लिए गई थी, 58 गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 56.67 गई थी ओबीसी के लिए, 52.67 गई थी एससी के लिए, और 52.67 गई थी एसटी के लिए भी गई थी। अब हम देख लेते हैं नेट के लिए क्या गई थी। तो नेट के लिए ये गई थी कि 54 गई थी अनरिजर्व के लिए, 50 गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए, 49.33 गई थी ओबीसी के लिए, और एससी के लिए गई थी 44.67 गई थी एसटी के लिए। ये हमारी जून 2020 में जो कट ऑफ गई थी वो है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं दिसंबर 2020 में जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिसको हमने स्टूडेंट रिव्यू के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग बनाया है। तो जो पहली है जेआरएफ की है वो है 57 से 62 जानी चाहिए अनरिजर्व के लिए, 55 से 60 जानी चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए, 54 से 59 जानी चाहिए ओबीसी के लिए, 50 से 55 जानी चाहिए एससी के लिए, और 50 से 55 जानी चाहिए एसटी के लिए। नेट के लिए देखते हैं तो 50 से 55 जानी चाहिए अनरिजर्व के लिए, 45 से 50 जानी चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए, 46 से 51 जानी चाहिए ओबीसी के लिए, 41 से 46 जानी चाहिए एससी के लिए, और 40 से 45 जानी चाहिए किसके लिए, एसटी वालों के लिए जानी चाहिए। तो ये हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और स्टूडेंट रिव्यू के अकॉर्डिंग निकाली है। और अगर आपको हमारे इस वीडियो की जितनी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको बताई है इसके अकॉर्डिंग आपको कोई रिव्यू देना है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना रिव्यू जरूर से जरूर दें। इससे क्या होगा, हम आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग और हाईली एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।